दोस्तों ये जो साइकिल है राम प्यारी, इसकी सौतन है 26,500-27,000 रुपए की। रेंज देख के पहले तो बंदा डर जाए। हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपीटी व्लॉग्स। नहीं, नेक्स्ट ट्रिप की चल रही है प्लानिंग, तो उसके सिलसिले में आज अपन एक साइकिल देखने के लिए जा रहे हैं। नई साइकिल ले रहे हैं अब अपनी राम प्यारी जो है, उसकी थोड़ी कंडीशन ख़राब ही है। वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहाड़ी एरिया के लिए नहीं है ठीक, बाकी नॉर्मल एरिया में अपनी राम प्यारी चल जाएगी। तो अभी साइकिल देखने के लिए जा रहे हैं, आज अपने को साइकिल चॉइस करके आनी है कौन सी साइकिल लेनी है। और साइकिल मैं खुद से नहीं ले रहा हूँ, अपने को कोई दिला रहे हैं साइकिल, तो उन्होंने एक रेंज बताई है, उस रेंज में अपने को साइकिल देखनी है। बाकी शाम के टाइम लगभग 4 बज चुके हैं, तो गुड इवनिंग। तो चलते हैं, अभी देख के आते हैं, डीकैथलॉन में जा रहे हैं, डीकैथलॉन में देख के आएंगे साइकिल, वहाँ पे थोड़ी अच्छी साइकिल मिल जाती है। ऐसे लेने को बाहर से भी ले सकते हैं, बट डीकैथलॉन की साइकिल थोड़ी ठीक रहेगी, बढ़िया रहती है क्वालिटी में। तो चलते हैं, देख के आते हैं। मैं जा रहा हूँ, अपने साथ में जा रहा है भाई, चाचा का लड़का, तो देख के आते हैं साइकिल कैसी है, आपको भी दिखाएंगे, आप भी बताना। और नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का करें ये आप थोड़ी सी सजेशन देना यार, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ आप घूमना चाहते हैं, वहीं जाएंगे। प्लानिंग चल रही है, 12 तारीख को निकलना है, जहाँ भी जाएंगे तो आप बताओ कहाँ जाएं, कौन सी जगह जाएं, आप जरूर बताना। चलिए चलते हैं, पहले तो साइकिल देखते हैं यार, बहुत मन है, नई साइकिल आएगी, गियर वाली साइकिल, फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ। तो भाई लोगों, ये खड़ी अपनी राम प्यारी, राम प्यारी एकदम ठीक ठाक है, इसको डेली चला भी रहा हूँ मैं 10-12 किलोमीटर सुबह के टाइम। बाकी मैं इसे जाता हूँ सुबह थोड़ी दूर चला के 10-12 किलोमीटर ला के खड़ी कर देता हूँ, तो ये भी ठीक है, इसमें ज़्यादा इशू नहीं है। थोड़ा वो चैन वैन उतरता है, उसको थोड़ा ठीक कराना पड़ेगा, चैन उतर जाता है बार बार, चैन की दिक्कत है खाली इसमें, वो अभी तक सॉल्व ही नहीं हुई है, बहुत दिनों से चैन की दिक्कत है। दोस्तों ये जो साइकिल है राम प्यारी, ये अपने को जैन ने दी थी यार, मतलब जैन ने, मैंने बोला मेरे को जाना है, मेरे पास साइकिल नहीं थी, अपनी खुद की साइकिल नहीं है, तो उस बंदे ने यार अपनी साइकिल दे दी मेरे को। दोस्त यार कितनी हेल्प कर देते ना, बंदे ने साइकिल दी, नई ली थी उसने, 10-15 दिन हुए थे, और अपने को 2.5 महीने से अपने पास, और अब भी कह रहा है तू रख, मेरे को जरूरत नहीं है, तू चला, तेरे जितना काम आ पाए, तेरा जितना काम बन पाए ना, तू ही रख। तो भाई थैंक यू सो मच यार। तो चलिए दोस्तों, अब भी जा रहे हैं, तो इसी को लेकर जा रहे हैं अभी साइकिल देखने के लिए, इसकी सौतन एक तरीके से देखा जाए तो। राम प्यारी नाराज मत होइयो ठीक है ना, तेरी सौतन देखने के लिए जा रहा हूँ, तेरे को ही लेके जा रहा हूँ, देख ले। तो भैया डीकैथलॉन जो है अपने घर से लगभग 6-7 किलोमीटर है, इसलिए राम प्यारी को लेके आए हैं, राम प्यारी को लेके जा रहे हैं। खड्डों में बड़ी दिक्कत देती है, पिछवाड़े को सुझा देती है खड्डों में तो, और फरीदाबाद में सड़कें खड्डे वाली है, कोई ठीक सड़कें हैं ही नहीं। तो भाई लोगों, पहुंच चुके हैं डीकैथलॉन EF3 मॉल, ओल्ड फरीदाबाद, सामने ही है बाहर की तरफ, ये डीकैथलॉन का गेट, चलते हैं अंदर। ये मॉल जी पूरा, मूवी भी लगी हुई है बहुत सारी, ब्रह्मशस्त्र और 2-3 मूवी और भी। कोई भी स्पोर्ट्स आइटम खरीदना हो ना, तो डीकैथलॉन से बढ़िया मेरे को लगता कुछ भी है। मैंने टेंट वगैरह अपने यहीं लिए थे कैंपिंग के लिए, अभी साइकिल देखते हैं यहाँ पे, साइकिल भी मिलती है ना, तो इसलिए यहीं पे आए हम। ये राजी डीकैथलॉन, देखते हैं कहाँ पे हैं साइकिल वगैरह, बाकी कुछ और सामान पसंद आता है वो भी ले लेंगे। वाइज ये हैं यहाँ पे स्लीपिंग बैग्स आपके कैंपिंग के लिए, और ये नॉर्मल ट्रैवलिंग बैग्स भी है, काफ़ी सारी क्वालिटी है, वैरायटी है, डीकैथलॉन में वैरायटी मिलती है। इधर भी हैं बैग आपके छोटे बैग साइकिलिंग वगैरह के लिए चाहिए हो तो अपने को साइकिल देखनी है, साइकिल देखते हैं फटाफट से। तो ये रहा साइकिल वाला सेक्शन, ये साइकिलें मोटे टायर के अंदर है, छोटा साइज है, आगे है बड़ा साइज। इनमें से अपने को पसंद आ रही है ये वाली जो है ना, पतले टायर में, गियर में, ऊपर दिखाता हूँ आपको, ये रही, ये है 7 गियर में, प्राइस देखो 20,000 रुपये, और उससे जो ऊपर है 9 गियर में वो है 26,500-27,000 रुपये की। देखते हैं कौन सी वाली अपने लिए ठीक रहती है, पता करते हैं। तो भाई ये जो साइकिल है इसका हमने पता किया है, इसका कह रहे हैं कि रेट जो है वो 20,000 रुपये है, और ये सिर्फ मतलब प्लेन रास्ते के लिए है, क्योंकि इसका पतला टायर है, कह रहे हैं पहाड़ों पे ना पंचर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं यार, मतलब मन तो बन रहा है साइकिल के लिए, अच्छी भी लग रही है देखने में, बाकी विश करते हैं अच्छी लगे और सही रहे ये साइकिल, तो ट्राई करूँगा, कल परसों हम लेने आऊँगा, ले अभी नहीं लाऊँ, अभी सिर्फ देखने के लिए आया हूँ अभी। और गाइज ये और भी साइकिल हैं जो मोटे टायर में है, ये 19,000-24,000 की रेंज में है, क्योंकि आगे 3 गियर हैं, पीछे 7 गियर हैं, वो जो साइकिल दिखाई थी उसमें सिर्फ आगे पीछे है, खाली आगे नहीं पीछे की साइड है गियर। तो ये सारी साइकिलें भी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब कंफ्यूज हूँ मैं, कौन सी लूँ कौन सी ना लूँ। पसंद में जैसे वो वाली आ रही है मेरे को एक पसंद, उन दोनों में से पसंद है वो दोनों, बट उनका टायर पतला है, और ये वाली भी है पसंद, बट टायर पतले की वजह से अपन कुछ सोच रहे हैं अलग करने की, उसके काम की नहीं है साइकिल जो है, वैसे है तो अच्छी यार, विद हेलमेट है, इसमें हेलमेट भी आएगा साथ में,
उनके रेंज वगैरह लिखे हुए हैं, वो है ऊपर वाली 40,000 की रेंज। देख के पहले तो बंदा डर जाए, रेंज देख कर डर जाए बंदा, यार इतने रेंज 40,000 रुपये। खैर अपने को लेनी है, नॉर्मल बजट में लेनी है, ज़्यादा बजट भी नहीं है, उस हिसाब से देख रहा हूँ मैं साइकिल। खैर देखते हैं, पता करते हैं, उसके बाद में बताएंगे आपको। तो भाई अपने को हेलमेट भी चाहिए था साइकिलिंग के लिए, अपने पास हेलमेट नहीं है, तो हेलमेट देख लेते हैं, हेलमेट तो ले ही चलते हैं एक्चुअली, देख के लेते हैं, क्योंकि पिछली राइड में भी अपने पास हेलमेट नहीं था, काफ़ी लोगों ने बोला। तो ये है 999 का, ट्राई करते हैं 1400, 1500, 2500 तक की रेंज में भी है, अगर अपने जो पसंद आएगा। सस्ता ही देखना यार, महंगा नहीं, 900 से भी सस्ता है तो वो देखते हैं। हाँ तो वही हेलमेट देखा, 900 रुपये का है, 1000 रुपये का है, सॉरी 999 का, बट और कुछ देखते हैं। जमा नहीं, मतलब महंगा है और थोड़ा मतलब ठीक भी नहीं है, क्वालिटी थोड़ी तो है, महंगा हम ले नहीं सकते, सस्ते में क्वालिटी नहीं है, बाहर से देख लेंगे कहीं। भाई ये वाला टेंट हमने ले रखा है, इसके अपने की स्टिक में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो स्टिक की पूछते हैं। ये 2500 रुपये का है दो बंदों के लिए नॉर्मल रेंज में। जी स्टिक मिल जाएगी क्या इसकी? इसकी स्टिक है ना अपनी ख़राब हो गई, डंडी जो लगती है ना ये वाली, इसकी रस्सी टूट गई अंदर से अपनी गलती से। वैसे इसके और भी साइजेस मिल जाएंगे, ये दो बंदों वाला है, तीन बंदों वाला, चार बंदों वाला, ये सारे टेंट भी हैं। स्लीपिंग बैग आपको बता ही दिए मैंने। तो भैया साइकिल अपन ने देख ली, साइकिल अपने को पसंद भी आई है, और रेंज भी अपने जितने अपन रेंज में लेना चाहते हैं ना उस रेंज में है साइकिल। और जा रहे हैं घर, पापा से बात करेंगे और भैया से बात करेंगे जो अपने को साइकिल दिला रहे हैं, उनसे वैसे मैं आपको मिलवाऊंगा, बट अगले वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। तो चलते हैं अभी घर, डिस्कस करते हैं। वैसे यार मेरे माइंड में क्या ना डाउट भी चल रहा है कि गोप्रो लूँ या साइकिल लूँ, क्योंकि मेरे को ना गोप्रो की ज़्यादा ज़रूरत है, साइकिल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। साइकिल है अपनी, चल जाएगी थोड़े दिन और, बट गोप्रो यार वीडियो वगैरह बनाता हूँ फ़ोन से बनाता हूँ, इतनी अच्छी क्वालिटी बनती नहीं है, ना वाइड एंगल आता है, तो मैं सोच रहा हूँ गोप्रो ले लूँ। बाकी बात करूँगा भैया से क्या बोलते हैं गोप्रो के लिए, हाँ करते हैं साइकिल के लिए, जैसा भी रहेगा आपको बताते हैं। चलते हैं अभी घर। बाकी साइकिल तो यार बड़ी जबरदस्त साइकिल थी यार, गियर वाली, क्या मस्त मस्त साइकिल थी ना, दिल्ली खुश हो गया। एक अपनी है ना प्लानिंग चल रही है, कुछ मतलब रिकॉर्ड है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो उसके लिए अटैम्प्ट करेंगे अपन, ट्राई करेंगे एक बार, अटैम्प्ट जरूर करना यार, चाहे कुछ भी रिजल्ट रहे। तो उसकी वजह से मैं साइकिल का सोच रहा हूँ यार, वैसे साइकिल की अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बाकी देखते हैं जैसा भी है, चलते हैं घर। तो भाई हम आ चुके हैं घर पे, और पापा से बात करी और साथ में अंकल से भी बात करी जो अपने को सेंट्रल दिला रहे हैं। तो यार डिस्कस चल रहा है कि मैं क्या लूँ, उनसे बात करी, अभी पूरी बात हो नहीं पाई, तो कल बात होगी। वैसे आप भी बताइए गाइस यार, मैं मतलब गोप्रो लूँ या फिर साइकिल लूँ, क्योंकि साइकिल अभी अपने पास है, आराम करी चल जाएगी, ऐसा नहीं कि चल जाएगी, ठीक है एकदम, कंडीशन एकदम ओके है। तो आप अपनी राय बताइए कि मेरे को गोप्रो लेना चाहिए या फिर साइकिल लेनी चाहिए नहीं। और उसके अलावा गाइस हम अपनी ट्रिप कहाँ की करें अगली, मैं प्लान चल रहा है वैसे, बट आप फिर भी कहाँ घूमना चाहते हैं, आप कहाँ का देखना चाहते हैं, आपको पूरा मतलब अब की बार जो ट्रिप रहेगा ना उसमें कुछ चेंजेस हैं वो बताएंगे आपको, जैसे ट्रिप स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में पता चल जाएगा उसके अगले वीडियो में। तो धीरे धीरे तैयारी चल रही है, साइकिल की भी अपनी तैयारी चल रही है, तो आप बताइए क्या लेना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना। तो ठीक है गाइस, ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक लिए आप भी अपना ध्यान रखिए, हम भी अपना ध्यान रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ। पर तेरा पहुंच गया परेशान तो परेशान, हिसाब दे बेर का सा तेरी।